अयोध्या जनपद सीदेव काली रोड स्थित किशोरवाणी गेस्ट हाउस के सभागार में प्रधान बीडीसी क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ मंथन शिविर का आयोजन किया गया। नवनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि हरिओम पांडे MLC भाजपा को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए नवनीत शुक्ला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधान के बराबर BDC को भी मानदेय मिलना चाहिए। अपनी मांगों के संदर्भ में 8 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। इसके बावजूद भी हम सभी की मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं हुई है। इसी कड़ी में MLC हरिओम पांडे ने कहा कि इनकी मांगों को सदन में उठाकर इनकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के BDC संघ के पदाधिकारियों के कार्यकर्ता शामिल रहे। गेस्ट नहीं हूं मैं इनका एक मित्र हूं, एक साथी हूं, एक सहयोगी हूं। क्योंकि BDC और प्रधान के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि के रूप में यहां प्रतिभाग करने आया हूं। हमारे कई साथियों ने और विभिन्न जनपदों से आए हुए साथियों से मेरी जब वार्ता होती थी तो इनके दुख दर्द को मैं पहचानता था और जानता था। मैंने अपने देश प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से भी चर्चा की थी कि प्रधानों को तो सब कुछ मिलता है लेकिन हमारे BDC भाई को कुछ भी नहीं मिलता, और इनके जबकि काम यह बराबर सेवा भाव से करते रहते हैं। जैसे राष्ट्रीय सेवक स्वयं सेवक संघ के लोग काम करते हैं, ऐसे ही हमारा BDC सदस्य एक संघ के रूप में काम निस्वार्थ भाव से करता है। तो जो व्यक्ति कार्य करता हो उसका उसको पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यह मानवीय आधार कहता है। तो मैं इस बात को पंचायती राज सचिव और अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने इनकी मांग पत्र को ले जाकर आने वाले मानसून सत्र में गर्मजोशी से रखूंगा और मनवाने की पूरा प्रयास करूंगा कि 60 अगर प्रधान को दिया जा रहा है तो 40% का रेशियो हमारे BDC भाई को भी दिया जाए, क्योंकि कार्य एक बराबर गांव में ही करते हैं और भारत गाँव का देश है। विकास तभी संभव है जब दोनों मिलकर कंधा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर गांव का विकास उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। यह मेरी अपनी एक भावना है और मेरी शुभकामना इन सबके लिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।